बीती रात को कुछ इंसानों को ये कछुए का बच्चा समुद्र के किनारे पड़ा मिला था, जिसे ये लोग अपने साथ ले आए। लेकिन उनका बिल्ला इससे जलने लगता है और इंसानों के प्रति उसे डराने लगता है। रात में भी वो उससे पूछता है कि उसने यहाँ से भागने के बारे में क्या सोचा। सुबह सैमी को एक बड़ी मादा कछुआ वीरा बताती है कि वो लोग यहाँ कैद है और अपनी मर्जी से यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, इसलिए उसे किसी तरह यहाँ से भागकर अपने घर चले जाना चाहिए। फिर अगले दिन वो लोग वीरा को समुद्र में छोड़ देते हैं, लेकिन बिल्ला फिर से सैमी को डराने लगता है कि वीरा को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी है और उसका स्वादिष्ट सूप नहीं बन सकता। ये लोग आज तुम्हें पकाकर तुम्हारा सूप बना देंगे और कछुए का सूप तो मुझे भी पसंद है। लेकिन रात में वहाँ पुलिस आ जाती है और बिल्ला फिर से एक बार सैमी को भड़काने लगता है कि उसे इससे अच्छा मौका फिर दोबारा नहीं मिल सकता, जिससे सैमी वही छुप जाता है और पुलिस इन लोगों से ये जगह खाली करवा देती है। सैमी कई दिनों तक वहीं रहता है, मगर भूखा होने के कारण वो डरता हुआ समुद्र में चला जाता है और एक लकड़ी खाने लगता है। अचानक वो एक प्लास्टिक में फंस जाता है, मगर तभी उसे वीरा देख लेती है और उसे बचा लेती है। वीरा उसे भूखा जानकर एक ऐसी जगह ले जाती है जहां उसके खाने के लिए बहुत घास थी, लेकिन तभी उनके पीछे एक खतरनाक शार्क पड़ जाती है। सैमी एक छोटे होल में धक्का मारकर खुद को और उसे एक खतरनाक शार्क से बचाता है, जहां सैमी को पता चलता है कि वो शैली है जिसे वो काफी समय से ढूंढ रहा था, जिसके बाद ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और पूरा समुद्र घूमने का फैसला करते हैं। ये एक पुराने जहाज के मलबे में पहुंचते हैं जहां इन्हें कई सारे समुद्री जीव मिलते हैं, लेकिन कुछ पिराना मछली इन दोनों को घेर लेती है और तभी एक चील सैमी को उठाकर अपने घोंसले में ले आता है। सैमी वहां से नीचे गिर जाता है और एक बार फिर से ये दोनों मिल जाते हैं, मगर आगे सफर में एक शिप का पीछा करते हुए ये दोनों फिर से बिछड़ जाते हैं। कई महीने शैली को ढूंढते ढूंढते सैमी ऑप्टिक ओशियन पहुंच जाता है। वो ठंड से बेहोश होने ही वाला था कि तभी कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और अपनी लैब में ले जाते हैं, जहां सैमी शैली को देख लेता है। वो उसके पास जाना चाहता था लेकिन कोई उसकी बात नहीं समझ पाता। सैमी को एक बार फिर से वो हरामी बिल्ला मिलता है। सैमी उसे मदद मांगता है लेकिन वो उल्टा उसे डराने लगता है। इतने में वहाँ सैमी की पुरानी मालकिन भी आ जाती है, जो कि सैमी को पहचान लेती है, लेकिन कुछ लोग शैली को पानी में छोड़ देते हैं, जिससे ये दोनों मिलकर भी बिछड़ जाते हैं। सैमी देखता है कि उन लोगों ने शैली को पानी में छोड़ दिया है, तो सैमी की मालकिन भी समझ जाती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहता, इसलिए वो भी उसे पानी में छोड़ देती है। आगे दो कछुए सैमी से मदद मांगते हैं, जहाँ पहुंचकर सैमी देखता है कि वो तो उसी का दोस्त रे है जो कुछ समय पहले उससे बिछड़ गया था। ये सभी मिलकर रे को उस पिंजरे से बाहर निकालते हैं, जिसके बाद रे सैमी को अपनी जीवन साथी रीटा से मिलाता है। रीटा सैमी को बताती है कि उसने शैली को कुछ देर पहले यही देखा था, जिसके बाद शैली को किसी और कछुए के साथ देखकर सैमी को लगता है कि उसने अपना जीवन साथी किसी और को चुन लिया है, इसलिए वो निराश होकर वापस लौट आता है। लेकिन तभी रीटा उसे बताती है कि उसने जिसके साथ शैली को देखा था वो कछुआ हर किसी को छेड़ता रहता है। ये सुनकर सैमी दोबारा से शैली से मिलने जाता है, जहां वो एक बार फिर शार्क से शैली को बचाता है, जिसके बाद ये दोनों हंसी खुशी जीवन बिताते हैं। ऐसी ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।